हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है भाई हमेशा की तरह कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्तों का शेयर कर दो ताकि वो लोग भी आके क्या करें क्लास को ज्वाइन कर ले तो बच्चा लोग मैं हूँ विजेता आपकी बायोलॉजी टीचर और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में जहां पर अभी तक हम बहुत सारी बात कर चुके हैं उत्को के बारे में किसमें प्राणी उतक में या जंतु उतक कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं भाई पेशी उतक के बारे में ठीक लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले भाई क्या बात कर रहे हैं हम पेशी उतक लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम क्या बात कर रहे थे ये देख लेते हैं हमने रोकी थी अपनी गाड़ी कल विशिष्ट संयोजी उतक के ऊपर ठीक है हमने देखा था ये क्या है ये तीन तरीके के होते हैं क्या ही है तीन तरीके के हैं ये हुँ? पहला क्या है हमारा पहला हमारे पास क्या है उपास्थि ठीक ठीक है जी पहला उपास्थि आ गया हमारे पास दूसरा क्या है अस्थि है ना दूसरा क्या है अस्थि ठीक है जी अस्थि आ गया और आखिर में क्या है रक्त राइट ये हमने कल यहाँ पर अपनी क्लास को छोड़ा था ठीक है कि ये तीन प्रकार के होते हैं हम्म ठीक है हमने क्या बात करी थी कि ये जो है कोमल अंगों में पाए जाते हैं जैसे कि जो है छोटे छोटे शिशु होते हैं नवजात अस्थि कहाँ पाई जाती है पूरा मानव का शरीर जो होता है वो अस्थियों से बना हुआ होता है कठोर होती है ये हम्म और रक्त क्या होता है भैया रक्त क्या है रक्त क्या है तरल उतक है ठीक है जिसमें क्या है आरबीसी डब्ल्यू बीसी प्लेटलेट्स है प्लाज्मा है और ये क्या काम करती है परिसंचरण का काम करती है पूरे शरीर के अंदर लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी चलो इसको आगे बढ़ाते हैं उपास्थि अस्थि और रक्त के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हम्म चलो आ जाओ सबसे पहले हम उपास्थि की बात करते हैं इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले उपास्थि के बारे में तो उपास्थि क्या है इसका जो अंतर कोशिकी पदार्थ होता है इसका क्या है अंतरा कोशिक पदार्थ ठीक है ये क्या होता है ठोस होता है ठीक क्या है ये ठोस है ठीक और क्या है विशिष्ट अगर और क्या बोले कि भाई क्या है विशिष्ट विशिष्ट आन में एवं रोधी होता है ठीक है ओके जी ठीक है अब ये जो उतक है उपास्थि, ठीक है? यहां पे जो उतक है इस उतक को बनाने वाले इस उतक को बनाने वाले बनाने वाली जो कोशिका होती है वाली जो कोशिका होती है कौन सी उपास्थि अणु कौन सी है उपास्थि अणु ठीक है उपास्थि अणु ठीक है ना ये क्या करती है स्वयं द्वारा ये क्या करेंगी स्वयं द्वारा स्वयं द्वारा क्या कर रही है ये स्वावित कर रही है ठीक है स्वावित आधत्री में छोटी 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 क्या गुहिकाओं में बंद हो जाती है ठीक है छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं हो जाती हैं ठीक है थीके? चलो जी मान लेते हैं ये दो चीजें यहां पर हो गई हैं और क्या है इसके बारे में भाई और क्या है भाई जो कशेरुकी भ्रूण होते हैं ठीक है क्या होते हैं कशेरुकी भ्रूण की अगर हम बात करते हैं यहां लिख लेते हैं चलो कशेरुकी भ्रूण की अगर हम बात करते हैं तो कशेरुकी भ्रूण में क्या है विद्यमान अधिकांश उपास्थियां इसमें क्या है विद्यमान या मौजूद अधिकतर उपास्थिया अधिकतर उपास्थिया क्या है अधिकतर उपास्थिया ठीक है और वयस्क में और अगर वयस्क की, की बात करते हैं तो व्यस्क अवस्था में अवस्था में अस्थि द्वारा क्या हो रहा है प्रतिस्थापित प्रति स्थापित हो जाती है हो जाती है ठीक है ठीक है चलो मतलब कि देखो कशहरू की भ्रूण में विद्यमान होती है और जैसे जैसे ये वयस्क होती जाती है वैसे वैसे ये अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती ठीक है क्लियर इतनी वयस्क में कुछ उपास्थि मौजूद होती कहा अगर हम वयस्क की बात कर रहे हैं तो वयस्क की जब हम बात कर रहे हैं ये रहा हमारा वयस्क जब हम वयस्को की बात कर रहे हैं तो वयस्को में कहा पे होती है वयस्को में कुछ नाक की नोक होती है नाक की नोक देखा है कभी नाक की नोक को आपने यहाँ पे जो नाक की नोक है क्या है कितनी मुलायम होती है है ना नाक की नोक में ठीक फिर क्या कह सकते हैं नाक की नोक आ गया हमारे पास ठीक है और क्या आ गया मेरुदंड के आसपास की अस्थियां जो मेरुदंड होता है इसके आसपास की आसपास की क्या अस्थियां ठीक है इसकी आसपास की अस्थियां ठीक और क्या है और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा मध्य तथा क्या अस्थियों के मध्य है ना इनके मध्य इसके बाद क्या है पैर और हाथ में पाई जाती हैं ठीक है थीके? पैर और हाथ में पाई जाती हैं ठीक है थीके? तो ये सब क्या है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ठीक है तो इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है उपास्थि के बारे में बताओ फटाफट से बता दो कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये बात कंफ्यूजन कहीं से कहीं नहीं रखना है सबको मालूम होना चाहिए ठीक है, चलो अब हमने उपास्थि के बारे में बात कर ली है अब आ जाते हैं अस्थि के ऊपर चलो अब बात करते हैं अस्थि के बारे में यानी कि बोन्स के बारे में ठीक है तो अस्थि क्या होती है न? क्या होती है बताओ ये क्या है अस्थि खनिजयुक्त ये क्या होती है खनिज युक्त खनिज युक्त क्या है ठोस संयोजी उतक है ठीक है ये क्या है ठोस है ठीक उसके बाद क्या बोलू इसमें मैं, उसके बाद हम इसमें कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि भाई क्या होता है इसका इसका आन में क्या आधात्री में आधात्री कॉलेजन तंतु एवं तंतु एवं कैल्शियम कैल्शियम लवण युक्त होता है कैल्शियम लवण युक्त होता है ठीक है जो अस्थि को क्या करता है मजबूत बनाने का काम करता है ठीक है क्या करता है ये अस्थि को मजबूत बनाता है ठीक क्या कर रहा है मजबूत यह मजबूती प्रदान करता है ठीक है मजबूती प्रदान क्या भाई प्रदान करता है ठीक है इतनी बात क्लियर हम्म ठीक है इसके आगे हम क्या देखते हैं यह शरीर का मुख्य उतक होता है ये क्या है शरीर का शरीर का क्या है ये मुख्य उतक है मुख्य उतक है ठीक है जो कि क्या करता है शरीर के कोमल अंग जो होते हैं जो कोमल अंग है उनको क्या करता है एक संरचनात्मक ठीक है क्या करता है संरचनात्मक ढांचा देता है संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है ठीक है ढांचा प्रदान करता है और इसके साथ साथ क्या करता है जब ढांचा प्रदान कर रहा है इसका मतलब कि उसको सहारा दे रहा है ठीक है मतलब कि सहारा देता है सहारा देता है ठीक है तो ये हमारी अस्थि हो गई है ये हमने अस्थि के बारे में पढ़ लिया है क्लियर इतनी बात हम्म चलो अस्थि के बाद हमारे पास क्या है रक्त है रक्त देख लेते हैं अब रक्त यानी कि ब्लड ठीक है तो रक्त के बारे में हम क्या बात करेंगे रक्त के बारे में हम क्या बात करेंगे कि भाई ये क्या है ये तरल संयोजी उतक है ये क्या है तरल संयोजी उतक है ठीक है जिसमें क्या होता है जीव द्रव्य जिसमें क्या है जीव द्रव्य इसमें क्या है जीव द्रव्य ठीक और क्या है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं आरबीसी बोलते हैं जिसको आरबीसी और क्या है सफेद सफेद रुधिर कणिकाएं ठीक है जिसको हमने क्या बोला डब्ल्यू ठीक है और पट्टी काणु जिसको हम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स पट्टी काणु पट्टी काणु ठीक है यानी कि जो क्या है प्लेटलेट्स पाए जाते हैं इसमें ठीक है और ये काम क्या करता है ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है कि भाई ये क्या ये विभिन्न विभिन्न पदार्थों पदार्थों का क्या करता है परिसंचरण ठीक है पदार्थों क्या करता है ये परिसंचरण करता है ठीक है ये हमारे रक्त के बारे में हो गया तो इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई हुँ? और इसके साथ हमने विशिष्ट संयोजी को भी यहां पर खत्म कर दिया फिनिश कर दिया निपटा दिया इसको तो इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई उपास्थि अस्थि और रक्त इन तीनों चीजों के बारे में यहाँ पर कोई डाउट मत रखना ठीक है और डाउट है तो भैया डाउट ना ठीक करना है हम यही मिलेंगे आपको हम्म चलो ओके अरे बाप रे ये क्या देख रहे हो यहाँ पर कुछ दिख रहा है यहाँ पे क्या है ये ये आदमी अपनी मसल्स बनाने की कोशिश कर रहा है यानी कि अपनी पेशियों को क्या कर रहा है ये हिला रहा है ठीक है हम्म देखो जब ये अपने हाथ को हिला रहा है तो पेशी किस तरीके से देखो आगे पीछे हो रही है दिख रही है हाँ इसका मतलब क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब हम क्या बात करने जा रहे हैं बताओ बताओ क्या बात करने जा रहे हैं हम अरे भाई हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं पेशियों के बारे में ठीक है यानी कि पेशी तक के बारे में बात करेंगे तो भाई अगर हम पेशी उतक की बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मसल टिश्यू हम्म क्या है ये मसल टिश्यू ठीक है मसल टिश्यू अब ये जो मसल टिश्यू है ये कहा मिलता है अस्थियों के ऊपर हम्म कहा जो अस्थि होती हैं ठीक है अस्थियों के ऊपर ठीक है प्लस क्या करता है ये उनको गति प्रदान करता है ठीक है दो काम करता है एक तो अस्थियों के ऊपर पाया जाता है और दूसरा ये उसको गति प्रदान करता है ठीक है तो यहाँ पर ये है उसके बाद क्या बोलेंगे कि भाई अगर यहाँ पे हम पेशियों की बात करते हैं ठीक है अगर यहाँ पर हम पेशी की बात करते हैं तो पेशी कैसी है लंबी है भाई है ना लंबी है छोटी होगी तो दिक्कतें होंगी पूरी पूरी पेशी होती है यहां से यहाँ तक यहां से यहाँ तक एक पेशी दो पेशी ठीक है यहां पे ज्वाइंट आ जाता है जोड़ने का काम हो जाता है हाँ जो संयोजी उतक का काम हो जाता है कि संयोजी होता है जोड़ने का काम करेगा हम्म ठीक है तो ये लंबी होगी और क्या होगी साथ -साथ? समांतर होगी हो तो क्या होगा समांतर तभी तो काम करेगी ठीक से ठीक है और उसके बाद बेलनाकार होती है ये ठीक है बेलनाकार हो गई और सबसे बड़ी चीज तंतुओं से से मिलकर मिलकर बनी होती है बनी होती है ठीक है अब यहाँ क्या है ये जो छोटे छोटे तंतु हैं ठीक है तंतुओं से मिलकर बनी हुई है लेकिन यहां पर क्या है ये जो तंतु हैं ठीक है थीके? तो यहां पर जो छोटे 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 तंतु जो होते हैं छोटे छोटे तंतु जो होते हैं ठीक है वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं पेशी तंतु क्या कहलाए वो पेशी तंतु कहलाए ठीक है थीके? इसको क्या बोलते हैं हम मायोफेब्रिल्स ठीक है क्या कहते हैं इनको माओफेब्रिल्स कहते हैं ठीक है पेशी तंतु यानी कि माओफेब्रिल्स इतनी बात सबको क्लियर हो गई हम्म बताओ सबको क्लियर हो गई इतनी बात बोल दो अप दिखा दो भाई ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं हम्म थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में पेशी तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम ठीक है तो हमने क्या बोला यहां पे क्या होते हैं अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से ये बना हुआ होता है पहली चीज ठीक है ये क्या है अनेक लंबे बेलनाकार क्या तंतुओं से बना है तंतुओं से बना होता है ठीक है ठीक है जी एग्री करते हैं हम फिर ये जो तंतु होते हैं सारे के सारे ठीक है ये जो तंतु होते हैं बिल्कुल समांतर होते हैं हमने बोला कैसे समांतर होते हैं ऐसे करके है ना तो ये सब क्या है ये समांतर होते हैं तो क्या लिखेंगे हम कि जो क्या होते हैं जो समांतर पंक्ति में समांतर पंक्ति में रहते हैं चलो जी ये भी मान लेते हैं अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे छोटे छोटे तंतु होते हैं ठीक है छोटे छोटे तंतु बोलो या सूक्ष्म तंतु बोलो कोई बात नहीं है क्या है यहां पर सूक्ष्म ठीक है क्या है यहां पर सूक्ष्म तंतु ठीक क्या बोला हमने उनको पेशी उतक पेशी उतक यानी कि क्या हो गया वो मायो फेब्रिल्स ठीक है मायो फेब्रिल्स कहलाए वो ठीक है अब यहां पर क्या है यहां पर जो क्या यहां पर पेशीय उतक जो होता है चल जा पेशीय उतक जो होता है पेशीय उतक की क्रिया से शरीर क्या करता है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार क्या करता है गति करता है ठीक है क्या कर रहा है शरीर वाता अरे भाई वातावरण में होने वाले परिवर्तन क्या कर रहा है परिवर्तन के अनुसार क्या करता है गति करता है गति करता है ठीक है चलो जी ये भी मान लेते हैं कि इसने क्या किया गति कर ली है ना अब क्या है जो शरीर की सभी मुख्य गतिविधियां हैं शरीर की क्या है मुख्य गतिविधियों में ये प्रमुख भूमिका निभाता है ये भी याद रखना है ठीक है शरीर में क्या है जितनी भी क्या हो रही है मुख्य गतिविधियां हैं गतिविधियां हैं ठीक है, है उनमें क्या कर रहा है ये क्या कर रहे है भूमिका निभाता है अपनी ठीक है भूमिका निभाता है यानी कि इसका क्या है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ठीक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ठीक है समझ गए हम्म चलो आगे बढ़ते हैं अब ये जो पेशी उतक होता है ये क्या होता है तीन तरीके का होता है क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये पेशी उतक जो है कितने तरीके के मतलब मैंने बता दिया तीन है पर कौन कौन से हैं फटाफट से भाई आपका काउंटर स्टार्ट होता है और मुझे फटाफट से बताओ कि कौन कौन से पेशी तक होते हैं जल्दी बताओ चलो बताओ 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 कौन से होते हैं भाई तीन हम्म तीन प्रकार हैं ठीक है कौन कौन से हैं तीन प्रकार तो भाई तीन प्रकार हमारे पास कौन से आ गए कंकाल पेशी ठीक है दूसरा क्या आ गया हमारे पास चिकनी पेशी है ना चिकनी पेशी और फिर तीसरा क्या आ गया हमारे पास हृदय पेशी ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया ये तीन तरह की पेशियां यहाँ पर मौजूद हैं ठीक है ठीके? क्लियर चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये तीनों की तीनों कंकाल चिकनी और हृदय पेशी को हम देखते हैं हम्म चलो आ जाओ सबसे पहले आपके पास क्या है कंकाल पेशी ठीक है फिर क्या है हमारे पास चिकनी पेशी ठीक है फिर क्या है हमारे पास हृदय पेशी ठीक ये तीन तरह की पेशियां यहां पर मौजूद हैं, हम्म तो जो कंकाल पेशी की अगर हम बात करते हैं तो कंकाल पेशी क्या होता है स्केलेटल हाँ क्या है ये स्केलेटल मसल ठीक है स्केलेटल मसल है चिकनी पेशी की बात करूं तो ये क्या है स्मूथ मसल है और हृदय पेशी की बात करूं तो ये कार्डियक मसल है ठीक है ये क्या हुई स्मूथ मसल हा स्मूथ मसल ठीक और हृदय पेशी को क्या बताया मैंने हृदय पेशी कार्डियक मसल ठीक है कार्डियक मसल चलो जी मान जाते हैं अब अगर मैं इन कंकाल पेशी की बात करती हूं तो ये कंकाल पेशी किससे जुड़ी हुई हो होती है ये जुड़ी हुई होती है अस्थियों से किससे अस्थियों से जुड़ी होती है जुड़ी होती है तभी तो नाम कंकाल पेशी है है ना आपस में जुड़ के कंकाल बना लेती है ये है ना ठीक है अब चिकनी पेशी की बात करते हैं तो यह है क्या है भाई जितने भी कोमल अंग हैं ठीक है थीके? वो जुड़े हुए होते हैं जुड़े हुए होते हैं ठीक है किससे चिकनी पेशी से ठीक है जितने भी कोमल अंग अंग हैं इस चिकनी पेशी से जुड़े हुए हैं प्लस क्या हो रहा है यहां पर प्लस ये क्या करता है गति यानी कि जो मूवमेंट होती है गति में क्या करते हैं सहायता करते हैं हेल्प करते हैं ठीक है प्लस गति में सहायता करते हैं फिर अगर मैं हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल की बात करती हूं तो यहाँ पर ये क्या है ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है हृदय में पाई जाती है या फिर होती है ठीक है सिर्फ और सिर्फ हृदय में ठीक है और यह कह सकते हैं हृदय की परत में ठीक है चलो ओके अब यहां पर ये जो परत में पाई जाती है तो ये क्या काम करती है ये काम करती है क्या हृदय की गति गति हृदय की गतिविधियों में मदद करती है हृदय की गतिविधियों में या गतिविधियों के लिए कार्य करती है ठीक है चलो ठीक है अब एक और चीज बात करते हैं क्या बात करते हैं कि भाई अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है बाइचेप्स जो आपके क्या है बाइचेप्स यानी कि ये जो है ठीक है यहाँ पर ये आ जाता है जो आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि ये फैट है है ना ये देखते हैं कि आप करते हो तो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे ऐसे करते हो तो इकट्ठा हो जाता है हमको क्या लगता है कि ये फैट है नहीं भाई ये मसल होती है ठीक है यही वाली हम्म अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये कहां मिलेंगी आपको आमाशय में मिलेंगी ठीक है आमाशय में मिल जाएंगी फेफड़ों में मिल जाएगी ठीक है यहां मिल जाएगी फिर अगर हम हृदय की बात करेंगे तो भैया ये सिर्फ हृदय में ही मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ठीक है हृदय के लिए स्पेशल तरीके की पेशियां होती हैं जो पूरे शरीर में आपको कहीं नहीं मिलेगी स्पेशल चीजों के लिए ना जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल चीजें हम ऑर्गेनाइज करते हैं हुँ? चाहे वो हमारी लाइफ में क्यों ना हो कि जो इंपॉर्टेंट होगा ना हमारे लिए उसको हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें है ना तभी हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा करते हैं क्योंकि हम अपने माँ बाप के लिए क्या है स्पेशल है बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के लिए हमारा हार्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है इसलिए ये जो हृदय पेशी है ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में यानी कि हमारे हार्ट में मिलती है हुँ? ठीक है उसके बाद क्या बोलेंगे कि भाई किस तरीके की पेशी है ये अगर मैं बोलू हम्म तो भाई मैं कहूंगी कैसी पेशी है ये ये है ऐच्छिक पेशी है ये ठीक है मतलब कि भैया हम अपने हाथ कब हिलाएं पैर कब हिलाएं गर्दन कब हिलाएं तो ये हमारी मर्जी से होता है ऐसा थोड़ी कि मैं खड़ी हूं मेरा हाथ अपने आप उठ गया है अपने आप नीचे हो गया है गर्दन अपने आप ऐसी हो गई है ऐसी नहीं मेरी मर्जी से हो रहा है ये मेरी इच्छा से इसीलिए क्या है ये ऐच्छिक पेशी है फिर अगर चिकनी पेशी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आमाशय और फेफड़ों की तो भाई ऐसा थोड़ी जब मेरा मन करेगा मेरा पेट में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा नहीं ना यहाँ पे खाना पहुंचेगा और अपने आप डाइजेस्ट होगा मेरे तो कहने की जरूरत ही नहीं है है ना तो इसका मतलब ये क्या है ये क्या है आपकी अनैच्छिक अनैच्छिक पेशी ठीक है ये अनैच्छिक पेशी है वहीं अगर मैं इसके हमारे हृदय दिल यानी कि किसकी हार्ट की बात करती हूं तो कभी ऐसा है कि हाय आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी चलो मेरे दिल तुम आराम कर लो थोड़ा सा भाई आराम करेगा तो हम स्वर्गवासी हो जाएंगे ठीक है तो बेचारा ये क्या है पूरे चौबीस घंटे हाँ चौबीस घंटे काम करता है पूरे के पूरे चौबीस घंटे यानी कि साल के तीन सौ पैंसठ दिन ये काम करता है ठीक है ऐसा थोड़ी होता है कि कभी कभी इसका मूड नहीं है आज यार आज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी धड़कने का चलो थोड़ी देर के लिए मैं आराम करता हूँ मैं सो जाता हूँ भैया इंसान इतने में प्यारा हो जाएगा ऊपर वाले को अगर ये एक सेकंड एक माइक्रो सेकंड के लिए भी रुक गया तो समझ रहे हो <laughs> तो इसका क्या है भैया इसका काम है कि धड़को 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 तुम ठीक है तो ये भी हमारी इच्छा के अगेंस्ट काम करता है अगर हम बोलेंगे रुक जाए तब भी नहीं रुकेगा वरना जिंदगी से रुक जाओगे ठीक तो ये भी क्या है अनैच्छिक अनैच्छिक पेशी ठीक है ये भी क्या है अनैच्छिक पेशी ठीक है तो यहां तक मुझे बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गई है बात बताओ जल्दी चलो फटाफट से एक काम करते हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम्म कि हमने पेशी उतक के प्रकार देख लिए कि भाई कौन कौन से प्रकार हैं तो यहाँ पर हम पहले प्रकार की बात करते हैं ठीक है हमने क्या बोला पेशी उतक के क्या प्रकार हैं अभी देखा हमने क्या कंकाल है ना कंकाल पेशी ठीक है दूसरा क्या बोला हमने चिकनी चिकनी चमेली मत सोच लेना भाई क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही गाना आ रहा है बार बार इसका नाम सुनकर चिकनी की चिकनी चमेली ठीक है चलो और तीसरा क्या है हमारे पास ठीक है तो ये तीन तरीके की है चलो आगे बढ़ जाते हैं ओके ये देखो। ये देखो क्या है हमारी कंकाल पेशी कंकाल पेशी को हमने क्या बोला स्केलेटल मसल बोला हमने ठीक है क्या लिखा है देखो ये स्केलेटल मसल है ये ठीक है इस स्केलेटल मसल में ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं हम्म इस तरीके से मौजूद होते हैं देखो यहां भी दिख रहा है आपको ये, ये देखो अब अगर इस एक को हम बाहर लेकर आएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है ऐसे देखो अब इसके अंदर भी ये खूब सारे इस तरीके से हैं, है ना उसमें से इन्होंने इस एक को पकड़ा तो ये बाहर ऐसे आ गया ठीक है ना तो ये क्या है ये मसल फाइबर का बंडल है और ये क्या है ये मसल फाइबर ठीक है यानी कि ये क्या है ये पेशीय तंतु है ये ठीक है ये मसल फाइबर क्या होता है पेशीय तंतु होता है और ये क्या है ये उसका बंडल है और ये बंडल देखो एक एक बंडल इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है अगर ये एक इसको बाहर लाओ इसको 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 तो ये ऐसे ही नजर आएगा एक के अंदर एक एक के अंदर एक ठीक है चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी हुई होती है ये ठीक है कहा होती है कंकाली अस्थि से जुड़ी हुई होती है कंकाली अस्थि से जुड़ी हुई होती है ठीक है चलो जी मान लेते हैं ये क्या है कंकाली अस्थि से जुड़ी हुई है फिर क्या है यहाँ पर कि जो प्रारूप यानी कि क्या टिपिकल पेशी जो होती है ठीक है प्रारूप ठीक है पेशी जैसे कि क्या है जैसे क्या बाईचिप्स पेशी तो अगर हम यहां पर बाइचर्स पेशी की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है यहां पर रेखीए रेखी, है, रेखी है, कंकाल पेशी तंतु पेशी तंतु क्या होते हैं एक समूह में क्या होते हैं एक समूह में एक समूह में क्या होते हैं एक समांतर एक समांतर ठीक है ये क्या होते हैं एक समांतर होते हैं वही ये देखो ये क्या करते हैं भाई हमारी इच्छा से काम करते हैं अगर कर हमने हाथ ऐसे किया तो ऐसे ये मसल भी ऊपर हो गई ऐसे करेंगे तो मसल वापस नीचे आ गई है ना तो ये क्या है हमारी ऐच्छिक पेशी होती है क्या है ये ऐच्छिक पेशी ठीक है क्लियर इतनी बात हम्म चलो ये यह देखो यहाँ पे देखो ये हमारी मर्जी से काम कर रहे हैं ना अपने हाथ हिला रहे हैं तो ये जो देखो पेशियां हैं दिख रही है ये ये हमारी मर्जी से काम कर रही है है ना तो ये क्या हो गई ऐच्छिक हो गई क्या है ये ऐच्छिक पेशी है मतलब कि ये क्या काम करती है हमारी मर्जी से हमारी मर्जी से काम कर रही है ठीक है ये क्या करते हैं हमारी मर्जी से काम करती हैं हम्म चलो आगे बढ़ जाते हैं ये देखो निकला शोले हाँ डोले किसके ऐसे डोले शोले यहाँ पे बताओ है किसी के यहाँ पे या नहीं है कौन कौन जिम जाता है बताओ फटाफट से कौन कौन जाता है जिम ऐसे डोले शोले यानी कि सोच लो ये अच्छी पेशियां होती है ये आपके मर्जी से काम कर रही है ठीक है चलो अब आ गई चिकनी पेशी ठीक है चिकनी ये पेट को देख के डर मत जाना यहाँ पे ठीक तो चिकनी पेशी क्या है भाई ये जो चिकनी पेशी उतक है ये क्या होता है संकुचनशील कोशिका यहाँ पर ये क्या है ये संकुचन शील कोशिका कोशिका के दोनों किनारे दो, अरे किकाने लिख दिया मैंने है किनारे कोशिका के दोनों किनारे अच्छा किनाने होगी अब किनारे पतले होते हैं पतले होते ठीक है ये क्या है ये ये क्या है संकुचनशील कोशिका है ठीक है और इसके जो दोनों किनारे हैं वो क्या है पतले होते हैं बिल्कुल पतले पतले आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि किनारे कैसे हैं बिल्कुल पतले पतले हैं रेखा या धारियां यहां पर मौजूद नहीं होती है ठीक है यहां पर क्या होता है यहां पर रेखा या धारियां क्या होती है मौजूद नहीं होती है मौजूद नहीं होती हैं ठीक है ठीके? है ना क्लियर यहां पर जैसे कि हमने यहाँ कहा यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पर क्या है रेखीय कंकाल पेशी होती है ठीक है यानी कि उसमें रेखा मौजूद है है ना लेकिन यहाँ पे क्या है रेखा या धारिया मौजूद नहीं है ठीक हम्म, चलो यहाँ कोशिका संधियों से ये बंधी रखती हैं यहां पर क्या होता है यहां क्या होता है कोशिका संधि हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कोशिका संधियों के बारे में है ना तो ये क्या है कोशिका संधियां जो कोशिका संधि होती हैं वो क्या करती हैं इसको बांधे रखती हैं बांधे रखती हैं ठीक है क्या करती हैं इसको बांधे रखने का काम करती हैं ये ठीक है अब संयोजी उतक के आवरण से ये क्या होता है जो संयोजी उतक के आवरण से ढके हुए समूह रहते हैं यहाँ पर हम्म क्या होते हैं यहाँ पर संयोजी उतक के आवरण से ढके हुए समूह रहते हैं ठीक है यहाँ पर जो समूह है वो किससे ढके हुए हैं संयोजी उतक के आवरण से ढके हुए हैं ठीक है अब इनके आंतरिक अंगों की अगर हम बात करते हैं है? अगर हम यहाँ आंतरिक अंगों की बात करते हैं ठीक है थीके? तो रक्त नलिका हो गई अग्नाशय हो गया फेफड़े हो गए ठीक है आंत की भित्ति हो गई रक्त नलिका ठीक है और अग्नाशय ठीक है और क्या हो गया आंत की भित्ति हो गई आंत की भित्ति यहाँ पर ये पाए जाते हैं ठीक चलो जी ठीक है अब अगर मैं बोलू कि भाई ये किस प्रकार की पेशी है हाँ तो भाई मैंने क्या बोला कि अगर हमारा पेट बोल दे कि आज तो मेरा मन नहीं है मैं खाना पचा लू तो भाई पेट भूल के ऐसे हो जाएगा ठीक है और सौ तरह की बीमारियां लग जाएंगी इस एक दिन में जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक है तो ये क्या है हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करता है इसलिए ये ये क्या है है पेशी ठीक है क्या है ये अनैच्छिक पेशी।, पेशी है यानी कि ये हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती है ठीक है क्योंकि देखो इसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है खाना है देखो इसमें ठीक है तो अगर ये मना कर दे मैं आज मूड नहीं है भाई मैं बहुत थक गया हूं मैं रोज काम करता हूँ दिन रात मेरा मूड नहीं है तुम खाना किसी और से पचवा लो तो क्या होगा ऐसा नहीं होगा ठीक है तो ये हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है ठीक है चलो अब हमारा मेन आता है हृदय पेशी जिसको हम क्या कहते हैं कार्डियक मसल कहते हैं तो भाई हमारा दिल हमारा हृदय हमारा हार्ट ऐसा है जो बहुत स्पेशल है अगर ये माइक्रो सेकंड के लिए भी बंद हो गए तो इंसान ऊपर भगवान को प्यारा हो जाएगा ठीक है और इसके अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं वो क्या है सिर्फ और सिर्फ इसी में पाई जाती है ठीक सिर्फ और सिर्फ इसी में पाई जाती है वो पूरे शरीर में आपको कहीं नहीं मिलेंगी सिर्फ इसमें मिलेंगी कहा गया इसमें <laughs> सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलेंगी ठीक है चलो तो हमने इसको क्या बोला हमने इसको बोला कार्डियक मसल कार्डियक मसल बोला इसको हमने ठीक है अब ये जो कार्डियक मसल है ये क्या है ये एक संकुचनशील उतक होता है ठीक है यानी कि इसमें लगातार कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है ये कैसा है संकुचनशील कैसा है ये संकुचन शील उतक है ये ठीक है अब मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ कहा मिलेगा आपको हृदय में देखने को मिलेगी ये पेशी ठीक है ये उत्तक कहा देखने को मिलेगा ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ किस में हृदय में अरे बाप रे हृदय क्यों लिख रही हूं मैं हृदय में मिलेगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ हृदय में मिलेगा ठीक है चलो यहां पर क्या होता है जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिका संधि के बारे में जब हम बात करें यहां पर कोशिकाओं कोशिकाओं की कोशिका संधि ठीक है या हाँ कोशिका संधियों द्वारा क्या होता है यहां पर संधियों द्वारा हृदय से हृदय द्वारा हृदय कला से एक रूप होकर एक रूप होकर होकर चिपकी रहती हैं, चिपकी रहती हैं, ठीक है ठीके? ये क्या करती है हमारे हृदय से क्या होती है चिपकी रहती हैं, देखो ठीक है फिर संचार संधियों के लिए अगर हम यहां बात करते हैं तो संचार संधियों के लिए कुछ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ठीक है क्या करती है क्या करती है संचार संधियों के कुछ क्या संगलन बिंदुओं पर बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई इकाई के रूप में संकुचित होती है संकुचित होती है ठीक है तो ये हो गया हमारा हृदय पेशी के बारे में ठीक है ना ओके क्योंकि देखो संचार क्या है संचार संधि यानी कि किसी चीज का संचार होना मतलब मैसेज uh, भेजना तो किसी किसी के लिए मैसेज भेजना काम भी करता है ये दिल हमारा ठीक है और भाई एक और चीज हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कने का काम करता है सोचने का काम हमारे दिमाग का है तो जो लोग कहते हैं ना कि हम मन से सोचते हैं तो भाई उनको मैं बता दूं बहुत ही साफ-साफ शब्दों में कि हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है ठीक हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है सोचता नहीं है ठीक है ये हमारे दिमाग का पार्ट है कि हम अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं दिल दिल का नहीं ने अगर सोचना शुरू कर दिया तो दिमाग क्या करेगा दिमाग बोलेगा ले भाई मेरा काम भी तू कर रहा है मैं जाके सो जाता हूँ तो भाई दिमाग सोच गया सो गया इसका मतलब आप कोमा में चले गए दिन दुनिया से परे हो जाओगे हुं। 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 चलो अरे बापरे ये क्या है कुछ बिजलियां सी कड़क रही है यहाँ पर है क्या काम कर रहा है ये हाँ बताओ 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 कौन मुझे बता सकता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर बोलो 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 जल्दी ये हमारा तंत्रिका तंत्र है जो क्या करता है संचार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है चलो तो अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो भाई ये मुख्य रूप से क्या काम करता है ये परिवर्तित अवस्थाओं ये क्या काम कर रहा है मुख्य रूप से मुख्य रूप से क्या कर रहा है परिवर्तित परिवर्तित अवस्थाओं अवस्थाओं के प्रति के प्रति शरीर की अनु क्रिया शील शिला या फिर जिसको हमने क्या बोला जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिव किसी चीज को रिस्पॉन्स करना किसी चीज को रिस्पॉन्स करना तो रिस्पॉन्स के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है ठीक है उत्तरदायीदायी है मतलब ये क्या काम करता है ये जो भी हमारे शरीर में कुछ बदलाव आया है या कहीं से कुछ महसूस हुआ है उसको फटाक से हमारे दिमाग को सिग्नल भेजने का काम करता है और दिमाग क्या करता है उस काम को तुरंत अच्छा ऐसा हो रहा है जैसे कि हमने क्या किया तवे पे रोटी सेक रहे हैं गलती से रोटी डालते हुए क्या वो हाथ हमारा तवे पे लग गया तवे पे लगा तो तुरंत यहाँ से जो नर्व थी यहाँ जो थी के नर्व थी उसने क्या किया फटाक से यहाँ से होते, होते 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 हमारे दिमाग में दिमाग ने सोचो फटाक से आपको मैसेज दिया कि हाथ हटाओ भाई हाथ जल रहा है तो ये क्या काम कर रही है कि उसके लिए क्या कर रही है ये कर रही है है ठीक जैसे कि कि इमोशंस की बात करो कि मैंने आपको डांट दिया ठीक एक होता है कि मैंने आपको डांटा तो आपको लगा मैम प्यार करती है इसलिए डांटा तो एक वो रिस्पॉन्स हुआ कि आपने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैम को मेरी चिंता है एक हुआ कि मैंने आपको डांटा आपने क्या रिस्पॉन्स ऐसे बोलती रहती हैं इनको क्या मतलब है हम पढ़े ना पढ़े इसलिए तो हम नहीं पढ़ते क्योंकि मैडम को क्या मतलब है क्यों डांट रही है? है ना पैसा हमारे माँ बाप का बर्बाद होता है मैडम को क्या फर्क पड़ता है ठीक है तो ये दो तरीके से हो गया हुँ? तो ये क्या करता है भाई इन जो रिस्पॉन्स होता है इसको कंट्रोल करने का काम करता है ठीक है चलो अब ये उत्तेजनशील कोशिका होती है ठीक है ये क्या होती है उत्तेजनशील कोशिका है ये ठीक है उत्तेजन मतलब किसी चीज के लिए एकदम से हो ऐसे कैसे ठीक है हम्म फिर क्या है चलो एक और चीज देख लेते हैं यहां पे कि जो तंत्री बंद होता है तंत्री बंद जिसको हमने क्या बोला न्यूरो जीएल ठीक है यहां क्या होता है यहां पर कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है जो बाकी बाकी तंत्रिका तंत्रिका तंत्र को क्या करती है संरचना प्रदान करती है, है ना संरचना प्रदान करने का काम करती है सहारा भी देती है ठीक है और सुरक्षा भी करती है तो यहां पर ये यह काम कर रही है ठीक चलो जी इतना हम एग्री कर लेते हैं कि तंत्रिका तक का ही सारा काम होता है अब देखो ये क्या है हमारा तंत्रिका तंत्र में एक नर्व नर्व नर्वस सिस्टम है ये ठीक है तो यहां क्या हुआ कि ये क्या काम करेगा यहाँ पे जैसे ही कोई सिग्नल आएगा वो क्या करेगा इसको यहाँ पे आके कोई सिग्नल टच हुआ ठीक है यहाँ यहाँ से फटाफट फटा होते, होते 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 क्या करेगा ये चारों तरफ फैला देता है कि लो भैया सिग्नल फटाफट से फैलो तभी तो कि एक के ऊपर एक यहाँ से जैसे ये है ये यहाँ पे जुड़ा मिलेगा ठीक है ये वाला पार्ट किसी दूसरे का यहाँ जुड़ा होगा इस तरीके से फिर इसकी पूछ निकलेगी यहाँ पे एक और पार्ट जुड़ा हुआ होगा तो ये ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ठीक है ना हम्म चलो तो ये हो गया हमारा अब हमारे पास आता है अंग और अंग तंत्र ठीक है अंग और अंग तंत्र की अगर हम बात करते हैं यानी कि क्या हुए अंग मतलब ऑर्गन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम चलो इसको भी छोटा सा टॉपिक है फटाफट -फड़ समझ लेते हैं कि हमको मालूम है कि एक कोशिका जो होती है ठीक है कोशिका एक होती है ये मिलके क्या बनाती है जब ये खूब सारी कोशिका इकट्ठी हो जाती है मिलके क्या बनाया है इसने उतक बनाया इन उत्को ने मिलकर क्या बनाया भाई अंग बनाया ठीक है इन उत्को ने मिलकर अंग बनाया चाहे वो हमारा आमाशय हो किडनी हो ये हमारा हार्ट हो ठीक है और कुछ भी हो अंग बनाया हम्म ठीक है इन अंगों ने मिलकर क्या बनाया अंग तंत्र बना दिया ठीक है ये क्या है अंग है इन्होंने मिलकर अंग तंत्र बना दिए अंग तंत्र बना दिए और इस अंग तंत्र ने क्या बनाया एक मनुष्य का शरीर बनाया ठीक है इसने क्या बनाया मनुष्य का शरीर बनाया तो देखो ओके okay. हमने जब यहाँ कोशिका की बात करी तो भाई कोशिका तो एक है हं? जब ये मिली कोशिका तो उतक बना ठीक है उत्को में हमने क्या क्या पढ़ा हमने उत्को में उपकला पढ़ा क्या हो गया भाई तुझे उपकला पढ़ा हमने ठीक है उपकला उतक ठीक है दूसरा क्या पढ़ा संयोजी पढ़ा हमने संयोजी अब तो ये पेन मुझे लगता है ना जवाब देने लग गया है संयोजी पड़ा फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद पेशी पढ़ा और पेशी के बाद हमने क्या पढ़ा तंत्रिका ये ये चार तर, चार तरीके के उतक पढ़े फिर इनमें प्रकार भी थे इनके कार्य भी थे इनके बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली फिर अगर मैं अंग की बात करती हूँ तो अंग हमने क्या बोला भाई अंग अंग तंत्र क्या हो जाएंगे छोटी आंत आ सकती है इसमें है ना इसमें छोटी आंत चाहे छोटी ले लो बड़ी ले लो ठीक है हमारे फेफड़े आ गए ठीक है हमारा आमाशय आ गया तो ये सब क्या है ये ये सब अंग है ठीक है ये सब अंग मिलके क्या बना रहे अंग तंत्र बना रहे हैं तो अगर मैं अंग तंत्र के नाम लिखती हूं तो कौन कौन से आ जाएंगे कि भाई हमारा पाचन तंत्र आ गया ठीक है हमारा श्वसन तंत्र आ गया है ठीक है हमारा उत्सर्जन तंत्र आ गया है उत्सर्जन तंत्र ठीक है हमारा फिर क्या आ गया जनन तंत्र आ गया है और क्या आ जाएगा हमारा परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र और ये सारे तंत्र मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा क्या बना रहे हैं शरीर बना रहे हैं मनुष्य का ठीक है अरे बाप रे इतना बुरा शरीर ये हमारे पैर हो गए हैं ठीक है हाथ भी बना देती कभी बोलो मैडम इसके हाथ नहीं बनाया आपने लो <laughs> <laughs> क्या बनाया ये पता नहीं ठीक है तो बेसिकली यहां पर ये है हुँ? चलो फिर अब तक हमने उत्को के बारे में पढ़ा था ठीक है और हम जानते हैं उत्को से क्या बने हुए होते हैं अंग बने हुए होते हैं अंग से अंग तंत्र होता है ठीक है अंग तंत्र और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है ठीक है तो यहाँ पर हम किसके शरीर के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे मेढक के बारे में ठीक है जितने भी उतक हमने यहाँ पर पढ़े हैं चाहे वो उपकला हो संयोजी हो पेशी हो या तंत्रिका हो जितने भी पढ़े हैं यहाँ पर हमने ठीक सबके सब क्या है भाई उतक है ठीक है और हम सबके शरीरों में मौजूद होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आपको एक मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ना है ना तो आप एक मेढक को उठा लो या फिर दूसरा कोई चूहा ठीक है क्योंकि हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं क्या होती हैं लगभग समान होती हैं हम्म अगर हम अब मेढक की बात करते हैं ना तो मेढक कैसा है मेढक वो प्राणी है मेढक वो प्राणी है क्या होता है जो जो मीठे जल में रह सकता है मतलब रहता है ठीक है किसमें मीठे जल well किस में ठीक है एज वेल एज किसमें धरती पर धरती पर भी रह सकता है तो ये क्या है भाई ये धरती पे भी रहता है और मीठे जल में भी रहता है ठीक है समझ गए हम अब यहां पर क्या होता है हमको ये भी मालूम है कि ये जो मेंढक है ये किसके अंतर्गत आता है कशेरुकी कशेरुकी संघ में आता है ठीक है कशेरुकी संघ के किस में आता है ये आता है एम्फीबिया 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 में में चलो जी मान लेते हैं में आता है ठीक अब बात आती है यहाँ पे जब हम मेंढक की कर रहे हैं कि हमको मेंढक के बारे में पढ़ना है तो भाई क्या पढ़ना है मेंढक के बारे में हमको पढ़ना है मेंढक के बारे में क्या पढ़ना है क्या पढ़ोगे आप तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे इसकी संरचना को सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे हम ठीक है इसके परिचय के बारे में बात करेंगे ठीक जहां पर मेंढक के बारे में जो भी आप उसको बाहर से देखते हो ठीक है सुंदर है नहीं है ये है वो है जो कुछ भी है ना कहा जाता है सब कुछ किसमें परिचय में आ जाएगा हम्म ठीक है इसके परिचय के बाद हम क्या देखेंगे भाई इसकी बाह्य संरचना ठीक है बाह्य संरचना को देखेंगे कि भाई जब हम किसी को देखते हैं चाहे वो मैं हूँ आप हो कोई भी हो तो हम क्या देखते हैं कि अच्छा बाहर से ही बड़ा खूबसूरत सा बंदा है पर इसका मन कैसा है हुँ? तो बाहर से यानी कि उसकी बाह्य संरचना कि भाई हाँ ये लड़की बहुत सुंदर है या ये लड़का बहुत सुंदर है तो वो उसके बाह्य संरचना हो गई ठीक है तो सबसे पहले हम बाह्य संरचना की बात करेंगे फिर आ जाएगी भाई आंतरिक है ना आंतरिक संरचना संरचना

आंतरिक संरचना ठीक है आंतरिक संरचना में हम इसके सारे तंत्रों के बारे में बात करेंगे ठीक है आंतरिक संरचना में सारे तंत्रों के बारे में हम बात करेंगे तंत्रों लिख के बारे में बात करेंगे चलो फिर, अब यहाँ पर चलो फिर ठीक ठीक अब पर पर हम है ये सारी चीजें पढ़ लेंगे लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन से मेंढक में कौन से मेंढक में पढ़ोगे ये सब पढ़ तो लोगे क्योंकि मेंढक तो बहुत सारी प्रजाति मतलब मेंढक की तो बहुत सारी प्रजातियां हैं सवाल यहाँ पर आएगा कौन सा मेंढक तो भाई हम जो है क्या पढ़ते हैं सिर्फ हम एक ही मेंढक के बारे में पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में पाया जाता है जिसका नाम क्या है राना टिगरीना ये सब पढ़ेंगे हम किस में जो क्या है भारत में सामान्य जाति भारत में सामान्य जाति कौन सी पाई जाती है बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ किसको मालूम है कि भारत में सामान्य जाति कौन सी पाई जाती है जिसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बताओ फटाफट से कमेंट में जल्दी 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 जिनको पता है वो लिखो ये बतियाओ मत लिखो 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 ठीक है और जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि भाई राना टिगरीना राना बताओ डील क्या लिख रही हूं मैं राना टिगरीना ठीक है ये है सामान्य जाति जो क्या है भारत में पाई जाती है ठीक है इसके बारे में हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं हम्म चलो अब इसको क्या है इस अध्ययन को हम आगे बढ़ा देते हैं और बात करते हैं देखो प्यारे से मेंढक की मेंढक दिखने में तो सच में बहुत प्यारे से लगते हैं लेकिन जब ये कूद के सामने आते हैं तो हम भी डर के मारे ऐसे हो जाते हैं डर जाते हैं कूद जाते हैं एकदम से है ना ऐसा ही होता है तो चलो फिर अब दूसरी चीज क्या है कि भाई यहाँ पर हम कौन सा पेन उठाए चलो ये उठा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर भाई हमने क्या बात कर ली अभी तक ये सारी चीजें देख ली है, है ना चलो अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी है कि कि भाई आंतरिक आंतरिक संरचना के बाद यानी क्या बोलते हैं जैसे की जैसे कि क्या आती है क्या आती है जैसे कि बताओ जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं तंत्र हमने सारे बता दिए कि सारे सारे तंत्र इसमें इंक्लूड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आएगा निषेचन की क्रिया ठीक है ये भूल दे बताना निषेचन भी आता है यहाँ पर ठीक है निषेचन भी आता है तो भाई अगर हमने तंत्रों की बात करें तो सारे के सारे तंत्र हैं स्वच्छ तंत्र है पाचन तंत्र है उत्सर्जन तंत्र है ठीक है जब और जनन तंत्र है जब जनन तंत्र की बात हो रही है इसका मतलब वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका मतलब वहां क्या हो रही है निषेचन की क्रिया हो रही है ठीक है तो इसमें निषेचन भी पढ़ेंगे हम हम्म जाओ आगे बढ़ जाते हैं तो चलो अब हमने क्या बोला कि चलो मेंढक के बारे में बात कर ले तो भाई जब मैंने बोला कि जो है पानी में और जमीन पे दोनों में रह सकता मतलब है हुआ? हुआ, मतलब क्या, क्या कहलाएगा ये उभयचर वर्ग में आएगा इसका मतलब ठीक है किसमें आया ये उभयचर वर्ग में आया ठीक है तो उभयचर वर्ग में हमने बोला कि ये क्या है उभयचर वर्ग में है ठीक है चलो ये मान लेते हैं अब क्या बात करनी है इसके बारे में कि उभयचर वर्ग में आता है ये ठीक है और ये क्या करता है उभयचर मतलब जल और स्थल दोनों पे रहता है हमने ये बात करी किस कि कि में रहता है ये जल में प्लस में प्लस स्थल अब भाई दोनों जगह रहता है तो दोनों जगह के फायदे लेता है ये हम्म तो क्या है कि भाई जब ये जल में रहता है तो जल में क्या करता है निषेचन करता है ये क्या करता है ये जल में निषेचन करता है ठीक है जल में रहकर निषेचन करेगा और स्थल पे क्या करेगा ये अपने भोजन की तलाश करेगा उसको खाने पीने के लिए चाहिए उसको ठीक है बेचारा भूखा थोड़ी मरेगा है ना ठीक है अब ठीक है चलो अब हम क्या बात करते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी प्रजाति के बारे में पढ़ना है हमको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ राना टिगरीना के बारे में पढ़ना है हमको राना टिगरीना के, के बारे में पढ़ना है ठीक है राना टिगरीना के बारे में यहाँ पर आप पढ़ोगे जो क्या है आ, जो मेढक है उसका क्या है वैज्ञानिक नाम है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम ठीक है क्या है ये इसका वैज्ञानिक नाम है चलो ठीक है मान लेते हैं ये इसका वैज्ञानिक नाम है उसके बाद क्या चीजें आती हैं यहां पर भाई कि ये क्या करता है इसके अंदर एक खास चीज होती है कि ये क्या करता है जब इसे शत्रुओं से क्या होता है जब इसको शत्रुओं से छिपने की जरूरत पड़ती है शत्रुओं से छिपने के लिए छिपने के लिए ये क्या करता है रंग परिवर्तन करता है रंग परिवर्तन करता है ये, ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम छदरण क्या बोला इसको छदमावरण बोला ठीक है और ये जो रक्षात्मक रंग परिवर्तन है ये क्या है रक्षात्मक रंग परिवर्तन कहलाता है ये क्या कहलाया ये रक्षात्मक रंग परिवर्तन ठीक है ये जो है ये जो क्रिया होती है ये जो क्रिया है परिवर्तन क्रिया है ये क्या कहलाती है ये कहलाती है आपकी अनु हरण ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं मिमिक्री ठीक है मिमिक्री कहते हैं जिसको ठीक है मिमिक्री वो किसी के नकल उतारना नहीं ठीक है एक तरीके से ऐसे ही समझ लो कि भाई इसने अपना रंग को बदल लिया मतलब कि अगर हरे रंग का आप पत्ते हैं तो हरे रंग में चला गया है

ठीक स्थिर है इसका शरीर का ताप इसीलिए ये क्या कहलाते हैं इसीलिए ये क्या कहलाते हैं असमतापी कहलाते हैं या अनियत तापी कहलाएंगे या अनियत तापी कहलाते हैं ठीक है असम तापी या अनियत तापी कहलाते हैं ये ठीक अब ये क्या करते हैं भाई ये सर्दियों में और गर्मियों में क्या करते हैं ये ये जाके ना अपने अपने किस में उसमें जो जमीन के अंदर छुप जाते हैं ठीक है हमको कब दिखाई देते हैं जब सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बरसात का मौसम होता है उनके जो बिल हैं उनके जो गड्ढे उसमें पानी भर जाता है ना तब उनसे बचने के लिए कि भाई ये पानी भर गया है सांस नहीं आएगी ज्यादा बाहर निकल आओ तो तब क्या करते हैं बाहर निकल के आ जाते हैं ठीक है ना ये हमको शीत ऋतु में दिखाई देते हैं ना ग्रीष्म में दिखाई देते हैं किसमें हाइबरनेशन वाले उसमें चले जाते हैं जब शीत ऋतु में जाते हैं तो यानी कि हाइबरनेशन हो गया और जब ग्रीष्म में जाते हैं तो क्या हो गया एस्टिवेशन हो गया ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे ये देखो यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई है ये क्या होते हैं उभयचर होते हैं कश्मीर के संघ में आते हैं एम्फिविया वर्ग में है इनकी सामान्य जो सम, इनकी क्या सामान्य जाति राना टिगरीना है ठीक है शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है और इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनको असमतापी या अनियत कहते हैं रंग परिवर्तन का गुण पाया जाता है जिसे हमने क्या बोला छदरण कहते हैं हम्म ठीक है फिर रंग परिवर्तन शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं ये और इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन को अनुग्रहण कहते हैं ये भी बात की हमने सर्दी और गर्मी में अपनी रक्षा के लिए गड्ढों में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन और ग्रीष्म में जो होता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं ठीक है इतनी बात क्लियर सबको जल्दी बताओ थम्सअप दिखाओ बतियाओ मत ज्यादा थम्सअप दिखाओ क्लियर सब कोई चीज है ना बहुत इजी चीजें हैं ठीक है थीके? ये किस में लिखोगे जब हम परिचय की बात करेंगे यानी इंट्रोडक्शन बारे के पूछा जाएगा ना मेढक के बारे में कि उसका परिचय दो तब ये सारी चीजें परिचय में आएंगी ठीक है अब हमने सेकंड क्या बोला था बाह्य आकार की यानी कि ये जो देखो मेढक दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ये मेढक कैसा दिख रहा है इसकी बाहर की आकृति के बारे में बात करेंगे हमने बोला भैया इसकी दो आंखें हैं आगे के पैर हैं दो पीछे के पैर हैं एक मुंह है ठीक है यहाँ पे छोटी छोटी नोस्ट्रिल्स हैं और आंखों के पीछे क्या है Uh, क्या बोलते हैं उनको कान है ठीक है तो ये सारी चीजें क्या है इसकी बाह्य आकृति में आते हैं चलो देख लेते हैं फटाफट -फड़ से इसको भी कि क्या है हम्म तो भाई हम कहते हैं कि इसका शरीर दो भागों में मिलके बटा हुआ होता है ठीक है शरीर जो है दो भागों में होता है कौन सा हो गया एक एक तो सिर हो गया ठीक है और दूसरा क्या हो गया धड़ हो गया ठीक एक तो सिर हो गया एक धड़ हो गया दो भागों में क्यों इसकी गर्दन का है देखो दिख रही गई आपको इसकी गर्दन अगर यहां भी देखो यहां भी देखो कहां दिख रही है आपको इसकी गर्दन कहीं भी नहीं है है ना खाली सिर है और उसके बाद क्या है उसका धड़ आ जाता है है ना हम्म अब अगर सिर की बात करते हैं तो देखो सिर में क्या क्या है इसके पास आंखें हैं कर्ण है आंखें आ गई है ना कर्ण यानी कि कान आ गए कर्ण छिद्र जो होते हैं ठीक है थीके? उसके बाद क्या आ गया भाई इसका मुंह आ गया जिसको मुख बोलते हैं ठीक है थीके? फिर अगर मैं धड़ की बात करूं तो धड़ में क्या है दो चीजें हैं एक तो क्या है अग्रपाद है ठीक है और अग्रपाद में क्या होता है चार उंगलियां होती हैं चार अंगुलियां हैं ठीक है ठीके? और दूसरा क्या है पश्चपाद है. है? है ठीक है जिसमें क्या है पांच अंगुलियां हैं ठीक इसमें क्या है पांच उंगलियां हैं अब यहां पर ये जो पांच उंगलियां हैं इनके मध्य में क्या होता है इनके मध्य में छिल्ली जैसा छिल्ली झिल्ली 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 जैसा क्या होता है इनके बीच में क्या होता तो है झिल्ली इनके बीच में क्या होता है झिल्ली मौजूद होती है एक ठीक है झिल्ली का जाल बोल सकते हो ठीक है जो किस में मदद करता है इनके तैरने में मदद करता है और कूदने में मदद करता है ठीक है कूदने में मदद करता है ठीक चलो समझ में आ गया है अब इनमें एक और चीज होती है इनमें पूछ नहीं होती है ठीक इनमें क्या है पूछ नहीं होती है लो जी पूछ नहीं होती है त्वचा तो अच्छा की बात करें तो कभी आपने मेंढक को पकड़ा होगा तो आपको उसपे ऊपर चिपचिपा सा लगा होगा ठीक है चिपचिपा लगा होगा आपको ठीक है तो वो चिपचिपापन किसकी वजह से है भाई श्लेष्मा की वजह से यानी जिसको म्यूकस बोलते हैं ठीक है और क्या होता है शरीर के ऊपर क्या होते हैं धब्बे होते हैं गाढे गाढ़े-गाढ़े हरे रंग के या काले रंग के धब्बे होते हैं ठीक है चलो ये इसकी बाह्य आकृति हो गई है है ना ये देखो ही क्या है हाँ बाह्य आकृति तो है ये ठीक है देखो कितने आराम से पड़ा देखो सांस ले रहा है कैसे कितना प्यारा सा लग रहा है रेस्टिंग मोड पे है ये है ना आप लोगों के लिए इतने प्यार से मैं पीपीटी बना के लाती हूँ ना कि उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, कुछ इंटरेस्टिंग डाल के कि आपको मजा आए और आप लोगों के पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते हो यार ऐसा क्यों करते हो हैं चलो त्वचा तो की बात करते हैं तो श्लेषम है ना श्लेषमा यानी कि म्यूकस से ढकी हुई रहती है इस वजह से इस कारण इस कारण क्या है ये चिकनी तथा फिसलनी होती है मतलब कि आद्र होती है इसके स्किन को मतलब आदरता वहां पे बनाए रखने के लिए मेहनत की ऊपरी सतह रंग की जिसमें कि धब्बे होते हैं जबकि नीचे की सतह क्या होती है पीली होती है नोटिस किया होगा आपने ठीक धर में विभाजित होते हैं ये पूछ गार्डन लिखा है बताओ गर्दन को गर्दन का अभाव होता है आज तो मेरी बहुत ज्यादा लिखने में गलती हो गई है लगता है नींद में बनाई है, मैंने पीपीटी चलो बाह्य आकृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या जानते हैं हो क्या आ जाओ चलो कि भाई मेंढक के शरीर की बात करते हैं अगर ठीक है इसके मेंढक के शरीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो भागों में विभाजित है, है ना एक तो सिर हो गया और दूसरा धड़ हो गया सिर और धड़ हो गया ठीक है दो भागों में क्या हो गया ये विभाजित हो गया चलो ठीक है अब जो इसका मुंह होता है ना तो मुंह के ऊपर एक जोड़ी क्या होता है नासिका द्वार होता है ठीक है इसके अगर मैं मुंह की बात करती हूँ तो मुंह के ऊपर क्या होता है एक जोड़ी नसिका द्वार यानी कि जो उसकी नाक है ठीक है सांस लेने के लिए ठीक है और क्या होता है इसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं ठीक आंखें जो होती है इसकी बाहर की ओर निकली होती हैं बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, ठीक है थीके? चलो अब आंखों के ऊपर क्या होता है इसकी जब हम आंखों की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या है इसके ऊपर निमेशक पटल होते हैं है। या उससे ढकी हुई होती है ढकी होती है किस लिए होती है ताकि जो जल है ठीक है वो उसकी आंखों में अंदर ना जा सके ताकि जो किस लिए होते हैं बचाने के लिए कि जल आंखों में ना जा सके आंखों में ना जाए या फिर बचाव में मतलब कह सकते हैं बचाव में ठीक है चलो अब जब हम आंखों की बात कर रहे हैं तो आंखों के पीछे क्या होते हैं हम्म hmm? तो ये जो आंखें हैं आंखों के पीछे पीछे की अगर हम बात करते हैं तो क्या है वहां पर या फिर आंखों के पीछे या दोनों ओर ये भी बोल सकते हैं दोनों ओर क्या है दोनों ओर कान है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं कानों को टिम्पेनम ठीक है या फिर कर्ण बोलते हैं ठीक है कर्ण क्या बोलेंगे पटल ठीक है कर्ण पटल होते हैं ठीक है चलो फिर हमने क्या बोला कि भाई अग्रपाद होते हैं अग्रपाद बोला कितने होते हैं चार अंगुलियां होती हैं है ना चार अंगुलियां ठीक फिर अगर मैं पश्चिम की बात कर रही हूँ ठीक पस्च, है ये क्या होती है पांच उंगलियां होती हैं ठीक है, है ना हाँ और क्या होती है जो पश्चिम होते हैं ये कैसे होते हैं ये लंबे होते हैं है और क्या होते हैं हाँ लंबे होते हैं और इसके साथ साथ क्या होते हैं मासत होते हैं मासत होते हैं ठीक है हम्म क्लियर इतनी बात सबको हम्म चलो आंतरिक संरचना के ऊपर आ जाते हैं अब आंतरिक मतलब जो इसके शरीर के अंदर चीजें पाई जा रही हैं उनकी बात करें अंगों के बारे में तो बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो अगर मैं आंतरिक बोल रही इसका मतलब क्या हमने इसकी एनाटॉमी की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम इसकी ठीक है तो इसके शरीर में क्या क्या आ गया है भाई इसके शरीर में क्या क्या आ गया पाचन तंत्र आ गया है पाचन तंत्र आ गया है और क्या आ गया है श्वसन तंत्र आ गया है श्वसन तंत्र आ गया है ठीक है फिर तो क्या है तंत्री का तंत्र है ठीक है और भी और भी बहुत सारे आ जाएंगे जनन तंत्र आ गया है जनन तंत्र आ गया है ठीक है और कौन से तंत्र आ जाएंगे भाई बताओ जल्दी परिसंचरण तंत्र आ जाएगा हम्म परिसंचरण तंत्र आ जाएगा ठीक है तो ऐसी चीज के अंदर क्या आएंगे सारे तंत्र इसके अंदर आएंगे हम्म चलो फिर भाई सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं अपने पाचन तंत्र के साथ ठीक है इसके पाचन तंत्र को देखते हैं अब हमने क्या बोला कि भाई अः हम कहते हैं कि जो पाचन तंत्र है मतलब अः जो मेंढक है मेंढक के अंदर का जो तंत्र सिस्टम है ना मतलब तंत्र सिस्टम तंत्र मतलब तो सिस्टम होता है क्या बोलेंगे उसको अंग तंत्र जो होता है यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसा है मनुष्य की तरह होता है ठीक है तो फिर हम अगर एक मेंढक को काट के देखेंगे और एक मनुष्य के शरीर को काट के देखेंगे तो एक सा लगभग दिखाई देगा हम्म चलो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में जब हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो भाई क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेगा जीवा से क्या करेंगा? जो जीव होती है जीव से भोजन को क्या करेगा अंदर लेगा भोजन को क्या करेगा अंदर करेगा अपने मुंह में ठीक है तो कहाँ गया भोजन भोजन गया उसके मुख में गया ठीक है मुख में जाने के बाद क्या होगा बताओ जल्दी जीभ से उसने भोजन को अंदर लिया वो मुख में गया मुख के बाद कहा जाएगा ये ये जाएगा मुख गुहा में आता है ये ठीक है मुख गुहा में आता है क्या भोजन ठीक है अब ये भोजन कहाँ जाएगा ये जाएगा ग्रसिका में ठीक है कहा गया ग्रसिका में गया ठीक है ग्रसिका में गया अब घसीका से जाने के बाद कहा जाएगा ये आमाशय में जाएगा, ठीक है इसके पास क्या है यकृत होता है यानी कि लीवर मौजूद होता है यहाँ पर जो क्या करता है जो फूड डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम करता है ठीक है इसमें मदद करता है ठीक है क्या करेगा वहां पे इंजाइम्स रिलीज करेगा और जो जूस होते हैं वो रिलीज मतलब जो रस होते हैं वो रिलीज करेगा और क्या करेगा आमाशय की मदद करता है चलो अब आमाशय में कहा जाएगा ये आमाशय के जाने के बाद ये आंत्र में आता है जो आंत होती है आंत्र में आता है ठीक है आंत में आता है फिर क्या होता है वहां पे जो क्या होता है भोजन जो पच जाता है तो भोजन का क्या जो पोषक पदार्थ है पोषक पदार्थ है ठीक है उनको क्या करता है अवशोषित करता है अवशोषित अवशोषित करता है वो ठीक है फिर क्या करता है ये फिर कहा जाता है ये भाई फिर जाता है मलाशे में फिर मलाशे में जाता है ये ठीक है और लास्ट में क्या होता है लास्ट में बोलो या अंत में बोलो क्या करता है कि अव अवस्कर द्वार यानी कि क्या जहां से मल को बाहर निकाला जाता है वहां से क्या करता है ये बाहर बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है तो ये क्या चलता है ये इसके पाचन तंत्र में ये सारी चीजें आती हैं। इस चीज को आप आराम से समझ लेना इसको मैं देखो अलग कलर से दिखा देती हूँ कि भाई जीव से कहाँ आया ये भोजन में भोजन लिया उससे कहाँ आया मुख में आया मुंह से कहा गया ये मुख गुहा में गया ठीक मुख गुहा से कहा गया ये भोजन है ग्रसिका में आया आ गया ग्रसिका में ग्रसिका से कहा गया ये आमाशय में आमाशय से कहा गया ये आमाशय से कहीं नहीं गया लेकिन उसके पास क्या होता, होता है ठीक है यकृत होता है जो मदद करता है तो ये अपना अलग आ जाएगा आमाशय के बाद कहा गया ये आंत में गया ठीक आंत में जाने के बाद कहा गया ये वहां पे जो जो भी पोषक पदार्थ थे उसको ग्रहण कर लिया फिर कहाँ आया ये मालाशय में आया ठीक है उसके बाद कहाँ गया ये कहा गया लास्ट में बिल्कुल अब में आ गया और यहां से फिर बाहर निकाल दिया ठीक है ऐसे समझना इसको ओके चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि पाचन क्रियाविधि क्या है हम्म तो भाई ये क्या है मांसाहारी है ठीक कीट पतंगों को जीव द्वारा पकड़कर क्या करता है मुख गुहा अरे बाप रे मुख गुहा में ले जाता है ठीक है जीप बाहर निकाल के एकदम कीच को पकड़ लेता है जहां से ग्रसनी ग्रसिका से होते हुए आमाशय आमाशय की दीवारों से एच सी एल रसों का स्त्राव होता है हम्म फिर अम्लीय माध्यम बनता है वहां पर भोजन को क्या होता है जीवाणु रहित बना देता है एच सी एल क्या करता है यही तो काम करता है ना हम्म जो यकृत होता है यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो ग्रहणी में पहुंचकर वसा का पाचन करता है यानी कि जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है आमाशय रस स्रावित करता है जिससे पाचक एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करते हैं ये ठीक है चलो फिर क्या होता है जो पंचित भोजन होता है ठीक है वो आंत के सूक्ष्म द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है अर्धपचित कायम यानी कि जिसको हम कायम के अर्धपचित जो होता है वो क्या कहलाता है कायम कहलाता है ठीक है जो द्वार से क्या है मल रूप में बाहर आ जाता है मनुष्य में क्या होता है एनएस होता है जहां से क्या होता है जो वेस्ट मटीरियल होता है वो मल जो होता है बाहर निकलता है इनमें क्या होता है अपस्कर होता है हम्म चलो अब स्वच्छ तंत्र की यहाँ पे बात कर लेते हैं ओके okay. हम्म स्वच्छ तंत्र के पहले एक बात और कर लेते हैं हम बोलते हैं कि भाई ये मांसाहारी प्राणी है हम्म और क्या बोल सकते हैं इसको नहीं बस इतना ही है चलो हाँ चलो फिर श्वसन तंत्र पे आ जाते हैं यानी कि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम ठीक है अब रेस्पिरेशन यहाँ पे तीन तरीके से होता है रेस्पिरेशन ठीक है पहले कैसा होता है पहला होता है त्वचीय त्वचीय ठीक है पहला क्या हो गया त्वचीय तो हो गया है हम्म दूसरा क्या हो गया मुख गुहीय ठीक है मुख गुहीय हो गया है फिर तीसरा क्या हो गया फुफुसीय ठीक है यानी कि तो त्वचीय मतलब यहां स्किन से हो रहा है ये माउथ से हो रहा है और ये लंग से हो रहा है क्लियर इतनी चीजें हम्म चलो तो अगर इसके बारे में हम जानेंगे तो कैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे भाई जो जलीय आवास से यहां क्या होता है जलीय आवास से त्वचीय श्वसन त्वचीय श्वसन करता है ये ठीक है कब करता है जल, जब ये कहा होता है जल में होता है जल में होता है तब करता है ठीक है चलो ठीक है अब मैं अगर यहाँ की बात करती मुख गुहे की बात कर रही हूं यहाँ पर तो यहाँ मुख गुहे में क्या है भाई ये जब थल में यानी कि जमीन में होता है तब क्या करता है मुख गुहा मुक गुहा से श्वसन करता है ठीक है मुख गुहा से श्वसन करता है फिर हमारे पास क्या आता है हम्म फिर हमारे पास फुफुसी है ठीक फुफुसिय है यहां क्या करेगा ये जब ये थल पे होता है जब ये थल यानी कि जमीन पे होता है तो क्या करता है ये फेफड़े यानी कि लंग्स द्वारा बी करता है, ठीक है इतनी बात क्लियर सबको कि भाई जब जल में होगा तो त्वचा से करेगा जमीन पे होगा तो मुंह से करेगा और जब जमीन पे होगा तो ये क्या है फेफड़ों से भी करता है चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर से इनके बारे में लिखते हैं अगर मैं त्वचीय की बात करती हूँ तो यहाँ जल में जो ऑक्सीजन क्या होता है डिजॉर्व होता है घुल जाता है जल में घुलित ऑक्सीजन क्या करता है विसरण द्वारा विसरण द्वारा क्या होता है त्वचा से विसरित होती है ठीक है तो में ये हो गया फिर अगर मैं मुख गुहे की बात कर रही हूं तो यहां पर क्या होगा मुख गुहे में यहां पर क्या होगा यहां क्या होता है मुख द्वारा मुख द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रहण की जाती है की जाती है ठीक और क्या होता है जो CO2 होता है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करते हैं बाहर निकलती है किससे दोनों के दोनों काम किससे हो रहे हैं मुंह के द्वारा हो रहे हैं ठीक है ठीके? चलो फिर अगर मैं फुफुसिया यानी कि किसकी लंग्स की बात कर रही हूं तो यहां पर जो फेफड़े हैं ठीक है यहां जो फेफड़े हैं वो क्या है वक्ष भाग में अंडाकार ठीक है अंडाकार गुलाबी संरचना होती है ये ठीक है संरचना है ठीक जो क्या है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन यानी कि ओटू जिसमें ओटू नासा मार्ग से होते हुए प्रवेश करती है प्रवेश करती है और सीओ टू बाहर ठीक है यहां पर ये होता है इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई हुँ? फिर से समझा देती हूँ कि त्वचा में क्या है कि भाई जल में क्या करता है ये स्किन से अपनी त्वचा से शोषण करता है मुख ही है मतलब जब ये जमीन पे होता है थल मतलब जमीन या धरती ठीक है धरती पे होता है तो मुखगुहा से शोषण करता है फिर थल यानी जमीन पे धरती पे है तो ये फेफड़ों से भी करता है जल में जो डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन वो विसरण द्वारा त्वचा तो से विसरित होती है मुख द्वार दुआर, मुख द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाली जाती है फेफड़े क्या है वक्ष भाग के अंडाकार गुलाबी संरचना होती है ठीक जिसमें ओ2 जो होती है यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है नासा मार्ग से होते हुए प्रवेश करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीटू है वो बाहर जाती है अब अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो यहां पर क्या आएगा ये बना हुआ होता है किससे बताइए किससे बना हुआ होता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल है अच्छा ठीक है उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं जो इसका क्या है परिसंचरण तंत्र इसका अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा है हम मनुष्य की तरह ही होता है कैसा है मनुष्य की तरह ठीक है मनुष्य की तरह है इसका ठीक है अब यहाँ पर किस प्रकार का पाया जाता है यहां पर जो परिसंचरण तंत्र है बंद प्रकार यानी कि क्लोज सिस्टम है यहाँ पर क्लोज ठीक है हम्म जो यहां पे क्या होता है जहां पर जो रक्त है यहां पर जो रक्त है वो कहाँ बहता है बंद वाहिकाओं में वाही में, ठीक है बंद वाहिकाओं में ठीक है रक्त तो बहता है इसीलिए ये क्लोज टाइप है या बोलो बंद प्रकार का है हम्म, चलो उसके बाद क्या बोला कि भाई ये किससे मिलके बना हुआ होता है अगर हम यहाँ जाने ठीक है किससे मिलके बना हुआ होता है तो तीन चीजों से मिलके बनता है ये ठीक है तीन ठीक है तीन चीजों से मिलके बना हुआ होता है सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है भैया हृदय आ गया यानी कि हमारा हार्ट आ गया है ठीक है उसके बाद क्या होता है इसमें रक्त तो वाहिकाएं रक्त वाहि वाहिनिकाएं निकाय सॉरी वाहि निकाय वाही ठीक है और तीसरा हमारा आता है खुद रक्त ठीक है तो ये तीन चीजें इसके परिसंचरण तंत्र में आती हैं ठीक है ये तीन चीजें इसके परिसंचरण तंत्र में आती हैं जब किसकी बात करते हैं हम जब हृदय की बात करते हैं तो हृदय कैसा पाया जाता है यहाँ पर तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है ठीक है कैसा तीन कक्षीय तीन कक्षीय मतलब कि जहां पर क्या है जहां पर दो तो अलिंद है, है ना और एक क्या है निलय ठीक है एक क्या है दिल है अब इसका जो आवरण होता है ना हृदय का जो आवरण है ठीक है वो किससे है भाई पेरी कार्डियम है ठीक है 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 इसका आवरण ठीक हृदय का आवरण क्या है पेरी कार्डियम चलो ठीक है अब हम किसकी बात करते हैं रक्त वाहिनी की बात करते हैं है, चलो जब यहाँ पे बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं एक आती है महाधमनी हम्म धमनी ठीक और दूसरी क्या आती है दूसरी आती है आपकी महाशिरा ठीक जब हम महाधमनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन मौजूद होती है यहाँ पर आ, क्या होती है छोटी छोटी धमनी होती है क्या होती है छोटी छोटी धमनी होती है ठीक है फिर जब महाशिरा की बात करते हैं तो यहां पर क्या होती है इसके साथ शिराएं होती हैं क्या होती है इसके साथ शिराए होती है ठीक है अब यहां पर इन दोनों का बेसिकली काम क्या है तो ये क्या काम करती है ये यहां से क्या करती है रक्त को क्या करती है बाहर ले जाती है हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है ठीक है बाहर की ओर ले जाती है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या काम करती है ये क्या करती है रक्त को रक्त बोलो रुधिर रुधिर बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अंदर ठीक है तो यहां पर ये रक्त वाहिनिकाओं का काम हो गया हम्म चलो ठीक है मान लेते हैं अब लास्ट में जब इतना सारा हम रक्त के बारे में बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में रक्त को भी देख लेते हैं रक्त में क्या आ जाता है भाई रक्त में हमारे पास लाल रक्त कोशिकाएं ठीक है यानी कि जिसको हमने आरबीसी बोला ठीक है फिर डब्लू बी सी यानी कि श्वेत रक्त कोशिका ठीक है जिसको हमने क्या बोला डब्ल्यू बी सी ठीक है और तीसरा क्या आ जाता है हमारे पास तीसरा आता है प्लेटलेट्स ठीक तीसरा क्या आ गया हमारे पास प्लेटलेट्स आ गया प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ठीक है चलो इसमें आ गया प्लेटलेट्स हम्म ठीक है यहां तक क्लियर सबको ना हम्म बताओ कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए बताओ 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 हम्म चलो फिर आगे बढ़ जाए है ना चलो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ओके चलो ये देखो ये परिसंचरण तंत्र है हमने क्या बोला कि दो अलिंद होते हैं हम्म और एक क्या होता है निलय होता है ठीक है ना डार्क कलर उठा लेते हैं ये क्या है निलय देखो ये रहा निलय ठीक है ये क्या हो गया दाया अलिंद हो गया है ठीक है ना और ये क्या हो गया बाया अलिंद यानी कि एक और दो ठीक और सिर्फ अपना गया कहालय कितना है ये सिर्फ एक ही है नील ठीक है ना तो हमने क्या बोला तीन कक्षीय है ये हम्म चलो जी ये भी समझ में आ गया ओके आगे बढ़ते हैं देखो अब परिसंचरण तंत्र के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोल दिया है कि भाई तीन घटकों से मिलकर बनता है तीन घटकों से मिलकर बनता है रुधिर ठीक कौन सी भाई हमारी आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स, पत्ती काणु ठीक है इसको यहां लिख सकते हो पत्ती काणु चलो ठीक है अब आरबीसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनमें क्या होता है हीमोग्लोबिन रक्त पोषण पदार्थों व गैसों का परिवहन करता है वह हृदय रुधिर पंप का कार्य करता है ठीक है चलो ये इसके बारे में हो गया है हु? हु? इसके बारे में अब और क्या जानना है यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए है ना तो भाई जब हमने क्या बोला कि रक्त परिसंचरण क्या है यहाँ पर बंद प्रकार का है ठीक है कैसा है यहाँ पर बंद प्रकार यानी कि क्लोज टाइप ठीक है अब यहां बंद प्रकार में मतलब कि यह है कि यहां पर क्या मिश्रित है हृदय में यहां पर हृदय में यहां पर हृदय में अगर हम हृदय की बात करते हैं मिश्रित है ठीक है क्या मिश्रित है भाई मैं कौन से मिश्रण की बात कर रही हूं यहां पे कि इस हृदय हृदय में क्या मिश्रित है तो यहां पर क्या है ऑक्सीजनित यहां पर ऑक्सी जनित रक्त ठीक है <laughs> यानी कि क्या बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा क्या हो गया वी ऑक्सी जनित रक्त यानी कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो दो तरीके का ब्लड यहाँ पर क्या होता है मिक्सड होता है किसमें इसके आ, क्या बोलते हैं बंद प्रकार में ठीक है यहाँ पर दो तरीके का मिश्रित होता है चलो जब हम यहाँ पे हृदय की बात ही कर रहे हैं तो हृदय में हमने क्या बोला अगर मैं इस हृदय की बात करती हूँ ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या बोला दूसरे कलर से उठाते हैं है ना लो इसकी बात कर रहे हैं हम हृदय की ठीक है तो जब हमने हृदय की बात करी है तो यहां पर हृदय कैसा है त्रिकोषीय को ठीक है त्रिकोष्ठीय संरचना है ठीक है, है। यानी कि इसमें दो अलिंद है और एक लय ठीक है यहां पर है अब ये जो हृदय है इसका जो आवरण है मैंने क्या बताया था पैरिकार्डियम इसका आवरण ठीक है क्या है पेरी कार्डियम ठीक है इसका आवरण क्या है पेरी कार्डियम ओके ठीक है चलो इतनी बात सबको क्लियर अब यहां पे एक और चीज आती है उसका भी ध्यान रखना है यहां पर ये जो कहा गई त्रिकोष्ठीय संरचना है ये जो त्रिकोष्टीय संरचना है यहां पर क्या होता है हा? यहां पर क्या होता है शिरा कोटर यहां पर क्या होता है शिरा कोटर शिरा कोटर जो दाहिने जो दाहिने किसे अलिंद से जुड़ा रहता है जुड़ा रहता है ठीक है तो ये था हमारा परिसंचरण तंत्र ठीक इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पर एक एक चीज बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे लिखी है समझाई गई है, है ना हुँ? और पीडीएफ के लिए क्या है भाई टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलते रहे अरे यहाँ नहीं पढ़ रहे हो यहाँ आ रहे हो तो कम से कम पीडीएफ से तो पढ़ोगे नोट्स तो बनाओगे ठीक है तो भाई पीडीएफ जाके पीडीएफ जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है ठीक फिर आता है हमारे पास रक्त वाहिनियां ठीक है तो हमने कहा भाई रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है ठीक है दो प्रकार की है रक्त वाहिनियां कौन कौन से दो प्रकार है भाई तो ये है एक कौन सा हमने बताया था महाशिरा ठीक है महाशिरा या फिर क्या बोल दो वे शिराए ठीक है ये हो गया है एक तो दूसरा क्या था महाधमनी महाधमनी वे धमनिया ठीक है ये था फिर महाशिरा में क्या होता है कि रुधिर को यहां पर जो रुधिर होता है उसको एकत्र कर यहां पर जो रुधिर है यानी कि जो रक्त है इसको एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती है ये पहुंचाती है ठीक है चलो फिर हम महाधमनी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या काम करती है ये रक्त को क्या करती है रक्त को क्या करती है सभी भागों तक सभी भागों तक ले जाती है कहां पे शरीर में भाई हमारी बॉडी में ठीक है शरीर में ले जाती है क्लियर इतनी बात हम्म आगे समझ में बताओ कोई डाउट तो नहीं है होना भी नहीं चाहिए बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में देखो बहुत अच्छे तरीके से लिख के समझाया है बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है चलो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन मतलब किसी चीज का एक, एक्सक्रीशन करना निकालना उसको ठीक है तो जब हम उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जोड़ी वृक्क द्वारा होता है ये एक जोड़ी वृक्क द्वारा होता है ठीक है चलो अब ये जो वृक्क है ये जो वृक्क है अगर हम वृक्क की बात कर रहे हैं ये गहरे गहरे लाल ठीक है ये जो वृक्क है ये कैसा है गहरे लाल वे सेम के बीच की आकृति है आकृति होती है होती है यह है कोई दिक्कत नहीं है दोनों चीजें बराबर है ठीक है ये वृक्क की बात हुई है ठीक चलो जी ठीक है अब यहाँ पर कशेरु की दंड जो होता है ठीक है कशेरू दंड के दोनों ओर हम्म यहाँ पर कशेरु की दंड के दोनों ओर क्या है स्थित होती है ये ठीक है दोनों ओर स्थित होती है ठीक होती है अब जो हर एक वृक्ष की संरचना है अब हर एक जो वृक्ष की संरचना है संरचनात्मक बोलो चाहे संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है क्या है लाती है ठीक है अब हर एक हर एक वृक्क से ठीक है अगर हम वृक्क की बात कर रहे हैं तो हर एक वृक्क से क्या हो रहा है मूत्र वाहिनी मूत्र वाहिनी निकलती है ठीक है निकलती है जो क्या है द्वार में खुलती है ठीक है जो कहा खुलती है जो कहा खुलती है द्वार द्वार में, अप्सकर में, ठीक है चलो अब यहां पर ये चीज तो हमने जान ली इतनी सारी चीजें हो गई उत्सर्जन तंत्र में पर ये भाई उत्सर्जित क्या करता है क्या निकालता है ये है तो भाई ये क्या करता है यूरिया का उत्सर्जन करता है ये ठीक है क्या करता है मेंढक यूरिया का उत्सर्जन उत्सर्जन करता है ठीक है यूरिया का उत्सर्जन करता है अब जो उत्सर्जित अपशिष्ट रक्त है जो क्या है आ, उत्सर्जित उत्सर्जित क्या अपशिष्ट अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं वृक्क में पहुंचते हैं ठीक है और क्या होते हैं इनको यहाँ पर अलग अलग क्या किया जाता है अलग अलग बांट दिया जाता है कि भाई जो यूरिन है ठीक है उसको अलग तरफ और जो फीकस है ठीक है उसको फीकस मतलब मल ठीक है उसको अलग ठीक है और इस तरीके से दोनों क्या है अलग अलग उत्सर्जित हो जाते हैं यहीं पे जाके ठीक है चलो ओके आ, अब आता है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम तो जो हमारा हमारा नहीं मतलब जो मेंढक का है वो तीन प्रकार इसमें तीन प्रकार है ठीक है तीन ठीक पहला क्या जाता है यहां पर केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठीक है पहला क्या आ गया हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास परिधिय परिधिय तंत्रिका तंत्र ठीक है चलो जी दूसरा ये आ गया तीसरा क्या आता है हमारे पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ठीक है तो तीन भागों से ये मिलके बना हुआ होता है ठीक अब अगर हम किसकी चलो सबसे पहले इसी की बात कर लेते केंद्रीय की बात कर लेते हैं तो यहां पर क्या है केंद्रीय में क्या है ये कहा है? ये मस्तिष्क व मेरु रज्जु मेरु रज्जु से बना हुआ होता है ठीक है बना हुआ होता है ठीक है फिर अगर हम परिधिये की बात करते हैं तो ये जो है ये किससे बना है ये कपालीय व मेरु रज्जु ठीक है मेरु कपालीय मेरु तंत्रिका तंत्र तंत्रिका से बना होता है ठीक है उसके बाद अगर हम स्वायत्त की बात करते हैं तो यह स्वायत्त किससे बना हुआ है भाई ये परानुकंपी कंपी व अनुकंपी तंत्रिकाओं से तंत्रिकाओं से बना होता है ठीक है तो ये तीन प्रकार के हो गए ठीक केंद्रीय परिधीय और स्वायत्त ठीक ये तीन तरीके के यहाँ पर हो गए अब इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है ये बातों पर से ध्यान हटा के थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लो हम्म किसने खाना खाया किसने नहीं खाया कौन सो गया कौन कहा था क्यों नहीं आया क्या ही फर्क पड़ता है भाई आप आए हो आप पढ़ो ना क्योंकि आपके बदले कोई दूसरा एग्जाम देने नहीं जाएगा ठीक है आपके बदले आप और आप सिर्फ आप ही जाओगे एग्जाम देने कोई दूसरा नहीं जाएगा वहां पे कि यार तो कि बाबू तुमने वो लिखा था यहाँ पे तुमने ऐसे किया था वहां पे ऐसा डायग्राम बनाया था कोई नहीं जाएगा यकीन मानो फेल हो गए ना तो जो आपको जो भी बाबू छोना मोनो जो भी कुछ है ना वो दूर हो जाएगा आपसे फेल होने के बाद तो अपने को ऐसी नौबती लेके नहीं आनी है ना कि कोई हमको इस तरीके से करे इसलिए बेटर है पढ़ लो ध्यान दे लो कोई भी परमानेंट नहीं होता हमारी लाइफ में इस चीज को समझ लो बस ठीक है ना चलो फिर ये हमने क्या बोला तंत्रिका तंत्र यहाँ पर तीन प्रकार का है केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका तंत्र तंत्र परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ठीक है इतनी बात सभी को समझ में आ गई है आ गई है तो वेल एंड गुड नहीं आई है तो क्या करना है आपको भाई फिर से एक बार से लिंक को ओपन कर लेना और देख लेना ठीक है और नहीं आता है तब भी तो भाई दोबारा से पूछ लेना कमेंट में मैसेज छोड़ के क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स रोज देखती हूँ ठीक है रोज कमेंट्स पढ़ती हूँ इसलिए अगर कोई लगे दिक्कत है तो वहां पे बता देना ठीक है चलो फिर अभी क्या करते हैं इससे आगे बढ़ते हैं हु? और आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलो उससे पहले एक और चीज जान लो भाई जो मेढक का मस्तिष्क होता है ना जो मेढक का क्या है मस्तिष्क ठीक है जो मेढक था मस्तिष्क है वो क्या है कपाल में सुरक्षित होता है किसमें कपाल में ठीक है कपाल में सुरक्षित होता है और तीन भागों में विभेदित होता है ठीक तीन भागों में विभेदित होता है कौन कौन से हो गए तीन भाग एक तो अग्र मस्तिष्क हो गया अग्र मस्तिष्क हो गया ठीक है दूसरा मध्य हो गया मध्य मस्तिष्क ठीक है और तीसरा क्या हो गया पश्च पश्च मस्तिष्क ठीक है ये तीन तरीके के हो गए तो अगर हम इनके अंदर की बात करते हैं तो अग्र में क्या होता है यहां पर इसमें ग्रांड पालिया ठीक है ग्रांड पालिया दो प्र मस्तिष्क गोलार्ध डायनाफेलोन होते हैं ठीक है डायना सिफलॉन होते हैं ठीक है ठीक है जी अब अगर मैं मध्य मस्तिष्क की बात करती हूँ तो इसमें एक जोड़ी क्या होता है इसमें एक जोड़ी क्या होता है छप कपलिया होता है या होती है ठीक है चलो इसके बाद पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे तो यहां कौन मिलेगा हमको इसमें क्या होता है इसमें अनु मस्तिष्क अनु मस्तिष्क व मेडुला, मेडुला, ओब्लेंगेटा, ओब्लेंगेटा होता है ठीक है होता है ठीक है यहां पर क्या होता है दस जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं ठीक है ना तो ये हमारा तीन क्या है तीन भागों से मिलके बन गया है ठीक तो ये हमारे इसके मस्तिष्क के बारे में था इतनी बात सबको क्लियर हो गई है ना सब दिखा के बता दो भाई कि हाँ हो गई है हम्म चलो फिर इस बात को आगे बढ़ा देते हैं और आ जाते हैं संवेदी अंगों के ऊपर ठीक है संवेदी अंगों के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर तो संवेदी अंग भाई इसके कौन कौन से हो गए हैं सबसे पहले आपका त्वचा आ गया है ठीक है त्वचा से क्या होता है स्पर्श का पता चलता है ठीक है स्पर्श के लिए त्वचा क्या है स्पर्श के लिए है ठीक फिर दूसरा क्या आ गया आपका जीभ आ गया जीभ जीभ किस के लिए स्वाद के लिए ठीक है जीभ किसके लिए स्वाद के लिए फिर और क्या जाएगा यहाँ पर आपका हाँ यहाँ पर और हमारे पास कर्णपट्ट आ गया है कर्णपट्ट ठीक है ये किस लिए है श्रवण यानी सुनने के लिए और संतुलन के लिए संतुलन के लिए ठीक है ओके जी अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा नेत्र आ जाते हैं जो बहुत ही स्पेशल है भाई ठीक है दृष्टि ज्ञान के लिए ठीक है और आखिरी में हमारे पास हमारी नाक आ जाती है ठीक है जिसको हमने क्या बोला नासिका नासिका उपकला ठीक है किसके लिए होती है गंध के लिए जो गंध का ज्ञान होता है उसके लिए ठीक तो ये क्या है इसके संवेदी अंग है इस यहाँ पर आपको इतना ही जानना है इससे ज्यादा यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है ठीक है बस आपको ये याद रखने हैं कि ये क्या है इसके संवेदी अंग है ठीक है पांच ओके चलो ठीक है हाँ अब आते हैं किसके ऊपर आते हैं प्रजनन तंत्र के ऊपर आते हैं जहां सबसे पहले हम नर की बात करेंगे ठीक है तो अगर हम नर की बात करते हैं यहां पर तो नर में क्या होता है वृषण होता है ठीक है पहला क्या आ गया हमारे पास चलो पहले वृषण के बारे में बता देते हैं पहले नंबर पे हमारे पास क्या है वृषण है ठीक है टेस्टिस क्या है टेस्टिस है हमारे पास ठीक है तो अगर वृषण की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है भाई कि लाल अथवा पीला यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी लाल अथवा पीले या पीला अंडाकार अंडाकार एक जोड़ी वृषण होता है ठीक है एक जोड़ी वृषण होता है इसके बाद यहां पर क्या आती है भाई एक और चीज आती है पैरोटेनियम क्या आ गया यहां पर पैरोटो नियम ठीक है झिल्ली होती है ये एक क्या है झिल्ली होती है इस झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं जो वृक्क होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं ठीक है इससे क्या होता है जो वृक्क होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं वृक्क क्या करते हैं शुक्राणु का निर्माण करते हैं ठीक है तो यहां पर इसके वृषण के बारे में सिर्फ इतना ही है जानने के लिए ठीक है इससे ज्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही जान लो कि लाल अथवा पीला अंडाकार एक जोड़ी यहाँ पर वृषण होता है पेरोटोनियम झिल्ली वहां मौजूद होती है जिससे वृक्ष जुड़े हुए होते हैं और वहां क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है ठीक दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है भाई शुक्र वाहिकाएं शुक्र वाहिकाएं ठीक है शुक्र वाहिकाएं आ जाती है उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे तो यहाँ वाहिकाओं में क्या होता है जो हर एक वृषण है ठीक है जो प्रत्येक वृषण में दस से बारह वाहिकाएं होती है ठीक है वृषण में क्या है दस से बारह क्या है हा शुक्र वाहिकाएं ठीक है दस से बारह है ठीक जो क्या करती है ये शुक्र निकल कर ये निकल कर क्या कर रही है निकल कर क्या करती है ये जो वृक्क होता है वृक्क में क्या होती है धस जाती है धस जाती है ठीक है जो बिडर नाल में खुलती है जो कहा खुलती है बिडर नाल ठीक है जो बिडर नाल में खुलती है ठीक है अब ये जो बिडर नाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बिडर नाल क्या है भाई हम्म ये जो बिडर नाल है अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो ये मूत्र वाहिनी में मूत्र वाहिनी में खुलता है खुलता है जो अवस्कर में आगे जाके मिल जाता है कहा मिलता है अवस्कर में अवस्कर में ठीक है तो ये हो गया हमारा नर जननांग ठीक है इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई हम्म क्लियर हो गई है कि भैया नर जननांग में हमको सिर्फ वृषण देखना है और दूसरा शुक्रवाही काय के बारे में पढ़ना है बस इतना हुँ? चलो इसके बाद मादा जननांग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है अंडाशय आता है और एक अंडवाहिनी आता है ठीक है क्या आ गया यहाँ पे एक अंडाशय आ गया हम्म क्या आ गया अंडाशय ठीक है और दूसरा क्या आ गया हमारे पास अंडवाहिनी अंडवाहिनी ठीक है दो चीजें आ गई हैं तो अंडाशे की अगर मैं बात करती हूं तो अंडाशे में क्या होता है एक जोड़ी यहां पर एक जोड़ी अंडाशय यहां पर क्या होता है एक जोड़ी अंडाशय किसे पैरोटी नियम पैरोटीनियम झिल्ली से झिल्ली से क्या जुड़े रहते हैं ठीक है झिल्ली से जुड़े रहते हैं ठीक है और क्या करते हैं और अंडाणुओं का निर्माण करते हैं अंडाणुओं का निर्माण करते हैं ठीक है क्या करते हैं अंडाणुओं का निर्माण करते हैं वहीं अगर मैं अंडवाहिनी की बात करती हूं ठीक है किसकी बात करती हूं अंडवाहिनी की तो यहां क्या होता है एक जोड़ी एक जोड़ी अंडवाहिनी ठीक है यानी कि जो अंडों को ले जाने काम करती है वो होती है ठीक है जिसका एक सिरा जिसका एक सिरा क्या होता है अंडाशय से ठीक है अंडाशय से और दूसरा सिरा और दूसरा किससे दूसरा अवस्कर में अवस्कर में खुलता है खुलता है मतलब देखो ये कर रहा है कि भाई एक जोड़ी अंडवाहिनी है जिसका एक सिरा कहाँ जा रहा है, में जा रहा है। यहां पर यह होता है चलो ठीक है तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है चलिए अब अपना लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है ठीक है चलो यहां पर क्या है ये वर्षा काल में होता है कहा होता है ये वर्षा काल यानी कि जब बारिश होती है ठीक है जो जुलाई से लेके जुलाई से लेके सितंबर ले माह के मध्य ठीक है इसके बीच में होता है आपको ये चीज याद रखनी है हम्म चलो ठीक है अब यहाँ पर जो नर है ठीक है यहाँ पर जो नर की अगर हम बात करते हैं तो नर क्या करता है वाकोश नर में क्या होता है वाकोश होता है उससे क्या करता है वो ध्वनि क्या करता है उत्पन्न उत्पन करता है ठीक है उत्पन्न करता है सॉरी ध्वनि उत्पन्न करता है ठीक है क्यों करता है ताकि जो मादा है ठीक है ताकि जो मादा है वो क्या हो आकर्षित हो सके उसकी तरफ ठीक है मादा जो है आकर्षित हो सके उसकी तरफ ठीक फिर वही इसके मैथुन के दौरान की बात करते हैं जब मैथुन की बात होती है ठीक है मैथुन के दौरान क्या होता है ठीक है यानी कि जब इंटर कोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है यहाँ जो मैथुनांग होता है ठीक है यानी कि जो पार्ट होता है ठीक है मैथुनांग जो होता है वहां से क्या होता है मैथुना की मदद से क्या हुआ मादा की पीठ को दबाता है पीठ को दबाता है ठीक है किसकी मादा की ठीक है और उससे क्या होता है मादा को ये उत्तेजित करने की कोशिश करता है ठीक है इससे क्या होता है मादा को उत्तेजित करने की कोशिश करता है ठीक अब यहाँ पे क्या होता है जब मादा उत्तेजित हो जाती है तो उसके साथ साथ नर भी उत्तेजित हो जाता है और दोनों उत्तेजित होके क्या करते हैं जो जल होता है ठीक है जल में क्या काम करते हैं अपने अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम्म उनको क्या करते हैं जल में निकाल देते हैं निकाल देते है। ठीक है और जो मादा होती है वो एक बार में अगर मैं मादा की बात करती हूं तो ये मादा एक बार में ढाई हजार से तीन हजार तक के अंडे देती है ठीक है इतने देती है और जल में यहां पर जब निकल जाता है तो जल में क्या होता है निषेचन होता है ठीक है यहां पर निषेचन की क्रिया कहां हो रही है जल में हो रही है ठीक है इतना यहां पर हमें पढ़ना है हु? ठीक है तो फिर आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर और अच्छे से आपने ध्यान से पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लो बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना ठीक है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है वहां जाके ज्वाइन कर लो हम्म चलो फिर चलती हूँ मैं आती हूँ अपने नई क्लास में तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए अपना ख्याल रखिए बाय बाय